हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर सेकंड राजस्थान का इतिहास के पहले अध्याय राजस्थान के इतिहास को जानने के स्रोत इस विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत कर रहे हैं। राजस्थान के इतिहास को जानने के साधनों की जब हम बात करते हैं तो हमें बहुत सारे साधन दिखाई देते हैं। किसी भी प्रदेश या देश का गौरव उसके इतिहास से होता है और भूतकाल में घटी हुई विशेष घटनाओं का वृतांत इतिहास के अंतर्गत रखा जाता है। इतिहास के निर्माण के लिए उस देश या उस प्रदेश से संबंधित ऐतिहासिक स्रोतों का सहारा इतिहास के निर्माण के लिए लेते हैं। इन स्रोतों में उत्खनन से प्राप्त सामग्रियां, शिलालेख, प्राचीन खंडहर, स्थापत्य एवं चित्रकला, काव्य, कथाएं, ख्यात वंशावलियां इत्यादि सामग्री हमें बहुतायत से राजस्थान में प्राप्त होती है, जो राजस्थान के गौरवपूर्ण इतिहास के निर्माण में हमारी मदद करती है। राजस्थान में मूलतः राजपूत, जाट और मुस्लिम शासकों द्वारा शासित रियासतें विद्यमान थी। इन सभी रियासतों का अपना अलग अलग इतिहास था और यह इतिहास उस राज्य के संस्थापक या उसके घराने से प्रारंभ होता था और उसमें राजनीतिक घटनाओं और युद्धों के विवरण को ही अधिक महत्व दिया जाता था। जब इतिहास के इन साधनों को जब हम अध्ययन की सुविधा की दृष्टि से विभाजित करते हैं तो मुख्यतः हम पुरातात्विक स्रोत, पुरालेखीय स्रोत, ऐतिहासिक साहित्य, स्थापत्य एवं चित्रकला तथा आधुनिक ऐतिहासिक ग्रंथ और इतिहासकार और वर्तमान प्रकाशित ग्रंथ, पत्रिकाएं, रिपोर्ट्स इत्यादि भागों में हम विभाजित करते हैं। सबसे पहले हम पुरातात्विक स्रोतों के बारे में चर्चा करना ज़्यादा समीचीन समझते हैं। पुरातात्विक स्रोत या सामग्री से हमारा अभिप्राय खोज और उत्खनन से प्राप्त होने वाली सामग्री से है, जिसके अध्ययन से ऐतिहासिक कालक्रम के निर्धारण में सहायता प्राप्त होती है। इस सामग्री की सहायता से हम उस समय के राजनीतिक घटनाएं, धार्मिक विश्वास, सामाजिक और आर्थिक जीवन की विवेचना कर सकते हैं। संयोग से इस प्रकार की सामग्री राजस्थान में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। इस प्रकार की पुरातत्व संबंधी सामग्री का विवेचन हम निम्न अनुसार कर सकते हैं। सबसे पहले हम उस ऐतिहासिक युग की सामग्री में मृद भांडों को रखते हैं। मृद भांड लिखित इतिहास के पहले के इतिहास को जानने में हमारी बहुत मदद करते हैं। आहड़ के उत्खनन से हमें ऐसी बहुत सारी सामग्री प्राप्त हुई है। आहड़ की सामग्री को जब हम देखते हैं तो ऐसा अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय का कुंभकार बहुत निपुणतापूर्वक आकर्षक सामग्री बनाने में सिद्ध था। इसी प्रकार बागोर के उत्खनन से प्राप्त सामग्री भी हमारे पास उपलब्ध है, लेकिन वो ज़्यादा टिकाऊ सामग्री नहीं है। इसी प्रकार हनुमानगढ़ के पास रंग महल की खुदाई से हमें मृदभांड प्राप्त हुए जो मोटे और खुरदुर हैं। इसी प्रकार अन्य कई स्थानों से ईसा पूर्व प्रथम शताब्दी से लेकर पाँचवीं छठी शताब्दी तक के मृदभांड हमें यहाँ से प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार जयपुर के निकट रेड़ की खुदाई जब हुई तो वहाँ से हमें तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व के मृदभांड प्राप्त हुए। इसी प्रकार मृदभांडों के साथ साथ पुरातात्विक सामग्री में मृण मूर्तियाँ राजस्थान में बड़ी संख्या में प्राप्त हुई है।
रंग महल के उत्खनन से जो मूर्तियां प्राप्त हुई है उनमें एक शिक्षक की मूर्ति, एक शिष्य की मूर्ति, भिक्षु और भिक्षुणियों की मूर्तियां और कुछ पशु पक्षियां, पशु पक्षी जानवरों की मूर्तियां भी प्राप्त हुई है। इस प्रकार रेड़ में हाथ की बनी हुई और पकाई हुई कई मूर्तियां प्राप्त हुई है। इन्हें मातृ देवी और शक्ति के विविध रूपों की मूर्तियां उल्लेखनीय हैं। इन मूर्तियों को आभूषणों से अलंकृत किया गया है। आभूषणों में कान कर्ण फूल, गले से नाभि तक का हार, मोतियों के जेवर, चूड़ियां, करदनी और पायजेब इत्यादि मुख्य है। इसी प्रकार शिव पार्वती, यक्ष, गंधर्व, हाथी, घुड़सवार, शेर, गाय, बैल, कुत्ता, ऊंट, बंदर, मछली इत्यादि अनेक प्रकार के मृण में प्रतीक बड़े रोचक ढंग के बने हुए हमें प्राप्त होते हैं। इसी के साथ साथ उत्खनन के अनेक स्थानों से हमें पाषाण, अस्थियां, लोहे और तांबे के आयुध उपकरण भी प्राप्त हुए हैं। आहड़ की सभ्यता के प्रथम चरण से संबंध रखने वाले छीरने, छेद करने, काटने के विविध प्रकार के पाषाण उपकरण प्राप्त होते हैं। यहाँ पाषाण की गदाएँ भी प्राप्त हुई है। इसी प्रकार बागोर के उत्खनन में हमें पाषाण के आयुध प्राप्त हुए हैं। इनमें नोकदार, तीक्ष्ण धार वाले फलक, कुंठित फलक, तिरछे फलक, त्रिभुज फलक इत्यादि मुख्यतः हैं। इनको मछली मारने, जंगली जानवरों का शिकार करने, शिकार किए हुए जानवरों को छीलने, काटने इत्यादि कार्यों के उपयोग में लिया जाता था। इसी प्रकार आहड़ से तांबे के आयुध प्राप्त होते हुए हैं, जो संभवतः लकड़ी काटने, छीलने, शिकार करने इत्यादि काम में लिए गए थे। बागोर में भी कुछ आयुध प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सिक्कर में गणेश्वर के उत्खनन समय सैकड़ों की संख्या में ताम्र आयुध प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार बालाथल से भी ऐसे उपकरण प्राप्त होते हैं। राजस्थान में सभ्यता के प्राचीन स्थलों की खुदाई में हमें बसावट अवशेष भी बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा, आहड़, गिलुंड इत्यादि स्थानों से प्राप्त इन अवशेषों से अनुमान लगाया जा सकता है कि उस समय मकान मिट्टी की ईंटों से बनाए जाते थे और उन पर मिट्टी का गारा लेप के रूप में लगाया जाता था। मकानों में चूल्हे बनाए जाने के अवशेष भी प्राप्त हुए। आहड़ में मुलायम काले पत्थरों से मकान बनाए जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहाँ मकानों के फर्श को काली मिट्टी के साथ नदी की बालू को मिलाकर लेप किया गया है। घरों के फर्श को पत्थरों से समतल बना दिया गया है। इसी प्रकार रंग महल के मकानों का निर्माण ईंटों द्वारा किया गया प्राप्त होता है। बैराठ में भी जो मकान बनने में प्राप्त हुए वो भी ईंटों से बने हुए हैं। इसी प्रकार सांभर की खुदाई में 40 घरों के ढांचे प्रकाश में आए हैं और इन मकानों, दरवाजों, खिड़कियों में पकी हुई ईंटें और मिट्टी काम में ली गई है। छतों को भट्टे में पकाए गए कवेलू से ढके जाने के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। इसी प्रकार अनेक स्थलों में खुदाई से हमें अस्थियों के टुकड़े भी प्राप्त हुए हैं। ऐसे टुकड़े बागोर से बड़ी संख्या में प्राप्त हुए हैं। ये अस्थियों के टुकड़े किन किन पशुओं के हैं इसके बारे में ठीक ठीक प्रकार से कह पाना संभव नहीं है। इसी प्रकार कुछ स्थलों से हमें कांच और पत्थर के मनके भी प्राप्त होते हैं। आहड़ के उत्खनन में मूल्यवान पत्थर से गोमेद, स्फटिक आदि की गोल मणियां प्राप्त हुई है। इसी प्रकार इन मणियों के साथ कांच, पत्ती, मिट्टी, सीप और हड्डी के गोल आकार के छेद किए हुए अंडे भी प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा में कांच के मनके प्राप्त हुए हैं और बालाथल में बहुत सारे बहुमूल्य पत्थर के मनके मिले हैं। ऐसा अनुमान
लगाया जाता है कि इनका उपयोग संभवतः आभूषण बनाने या ताबीज की तरह गले में लटकाने के लिए किया जाता था। इसी प्रकार कुछ स्थानों से हमें मुद्राएं और ठप्पे भी प्राप्त हुए हैं। आहड़ की द्वितीय स्तर की खुदाई में 6 तांबे की मुद्राएं और 3 मोहरें प्राप्त हुई है। इनमें से कुछ मुद्राएं अस्पष्ट है। एक मुद्रा पर त्रिशूल खुदा हुआ दिखाई देता है और दूसरी में खड़ा हुआ अपोलो है, जिसके हाथों में तीर और पीछे तरकस है। इस मुद्रा के किनारे पर यूनानी भाषा में कुछ लेख लिखा हुआ है, जिससे इसका काल 2 शताब्दी ईसा पूर्व का आंका गया है। इसी प्रकार रंग महल से कुषाणकालीन या पिछले काल की कुल 105 तांबे की मुद्राएं प्राप्त हुई है। इनमें से कुछ पंचपाक हैं, कुछ कनिष्क प्रथम तथा कनिष्क द्वितीय के काल की है। इसी प्रकार बैराठ में 36 मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिनमें 8 पंचमार्ग है, बाकी 28 मुद्राएं यूनानी और भारतीय राजाओं की है। इन मुद्राओं से ये प्रमाणित होता है बैराठ यूनानी शासकों के अधिकार में था, क्योंकि 28 मुद्राओं में से 16 मुद्राएं मिनेंडर की है, इससे भी सिद्ध होता है कि विजय की पहाड़ी बौद्धों का निवास स्थान था। प्रपताज ईस्वी तक ये स्थान बौद्धों के निवास स्थान के रूप में बना रहा। अनेक स्थलों की खुदाई से हमें बड़ी मात्रा में अनाज के दाने या अनाज के बीज प्राप्त हुए हैं। आहड़ की खुदाई से अनाज के दाने, अनाज रखने के बड़े बड़े भांड भी प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार रंग महल की खुदाई में हमें ऐसे मृत भांड, बड़े भांड और चावल के दाने मिले हैं, जो जिससे अनुमान लगाया जाता है कि उस समय रंग महल के आसपास के लोग चावल की खेती करते थे और चावल उनका मुख्य भोजन था। इस प्रकार पुरातत्व संबंधी सामग्री का राजस्थान के इतिहास के निर्माण में एक महत्वपूर्ण स्थान है। इसके अध्ययन से ऐतिहासिक कालक्रम के निर्धारण में महत्वपूर्ण सहायता मिलती है। इस सामग्री की सहायता से हम वास्तु और शिल्प शैलियों का वर्गीकरण कर सकते हैं। धार्मिक विश्वास, पूजा पद्धति, सामग्री, आर्थिक जीवन की विवेचना भी कर सकते हैं। इन्हीं पुरातात्विक सामग्री में दुर्ग और भवन भी मुख्य एक प्रकार के साधन है। ये प्राचीन दुर्ग और भवन भी इतिहास लिखने में बड़े सहायक सिद्ध होते हैं। राजस्थान के इधर उधर कई जगहों पर दुर्ग और दुर्गों के अवशेष प्राप्त होते हैं, जिनके आधार पर हम उस समय की सैनिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति को आसानी से समझ सकते हैं। चित्तौड़, जालौर, गागरौन, रणथंभौर, आमेर, जोधपुर आदि दुर्गों के साथ साथ महाराणा कुंभा द्वारा बनवाए गए कुंभा द्वारा बनवाए गए दुर्गों और उन दुर्गों में पश्चिमी सीमांत भाग के दुर्ग विशेष महत्व के हैं। इन दुर्गों को जब हम देखते हैं तो इसमें कई महल, मकान, मंदिर, जलाशय, राज परिवार के रहने के स्थान, जन सामान्य के रहन सहन रहने के स्थान, धार्मिक दशा को आसानी से हम समझ सकते हैं। मकानों के आधार पर लोगों के जीवन स्तर को भी भली भांति समझा जा सकता है। इसी प्रकार नगर भी एक अन्य महत्वपूर्ण साधन है। मध्यकालीन नगर के भग्न अवशेषों से स्पष्ट होता है कि नगर समय और परिस्थिति के अनुसार बसे, उन्नत हुए और उजड़े। जैसे जावर 7वीं शताब्दी से 15वीं शताब्दी तक चांदी की खान के कारण एक बड़े समृद्ध नगर के रूप में स्थापित था, परंतु जब चांदी का निकलना बंद हुआ तो यह नगर धीरे धीरे उजाड़ हो गया। इसी प्रकार श्रीनाथ जी की मूर्ति जब गोगुंदा के पास कसार में, उसके पास सिहाड़ में और बाद में नाथद्वारा में लाई गई, तब उत्तरोत्तर इन कस्बों ने मूर्ति के साथ साथ उन्नति की और जब मूर्ति एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई गई तो वह रिक्तता वाला कस्बा धीरे धीरे उजाड़ हो गया। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि इन चीज़ों इन का अध्ययन इनके आधार पर कार्यशीलता के राजस्थान में प्रातात्विक साधन इनके अलावा भी और बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है, जिनके आधार पर हम राजस्थान के इतिहास का भली भांति निर्माण कर सकते हैं। धन्यवाद। आज हम इस कड़ी में इतना ही विवेचन करेंगे। नेक्स्ट कड़ी में हम राजस्थान के पुरालेखीय स्रोतों पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद। जय हिंद।